हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे अरबी सूखी वाली। ठीक है, ये अरबी है। अरबी को हमने बॉईल कर लिया है इस तरीके से, और बॉईल करके छील के रख लिए हैं। इसके लिए हमें चाहिए टमाटो, ओनियन, ग्रीन चिली एंड जिंजर। सबसे पहले हम ये जो अरबी हैं इन्हें दबा के चकता कर लेंगे, टिक्की की तरह, जैसे टिक्की होती है इस टाइप से। हम ये सारी अरबी ऐसे दबा, देखिए अरबी हमने इस तरीके से सारी अरबियों को कर लिया है। ऐसे दबा के हमें तैयार कर लेना है। अब पैन लेंगे, पैन में तेल गरम करेंगे। देखिए हमने पैन में सरसों का तेल गरम कर लिया है। इसमें डालेंगे हम अजवाइन और ये भूनने देंगे। अब इसमें हम थोड़ी हींग डालेंगे। हींग को भूनेंगे थोड़ा सा। इसके बाद इसमें अदरक, हरी मिर्च, प्याज डालेंगे। और इसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। देखिए प्याज को इतना ही रखना है, थोड़ी क्रंची सी रहती है, अच्छी लगती है। फिर टमाटर डालेंगे। अब इनको भून लेंगे। इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। अभी सिर्फ हमें नमक डाल के टमाटर को गलाना है। टमाटर गल जाएंगे तब हम सारे मसाले डालेंगे। देखिए अब इसमें हम मसाले डालेंगे सारे, हल्दी, अमचूर पाउडर, कुटी हुई मिर्च और धनिया पाउडर। देखिए मसाले हमने भून लिए हैं। हम डालेंगे कसूरी मेथी। देखिए मसाले भून चुका है हमारा मसाला, तो साइड में करेंगे। अब इसमें हम अरबी डालेंगे। ये अरबी डाल के इसे हम मसाले से कवर कर देंगे। हमने सारी अरबियाँ कवर कर दी हैं। अब गैस कम करके इन्हें ढक देंगे और टिक्की की तरह सिकने देंगे। देखिए 2 मिनट हो चुके हैं और हम इन्हें पलट देंगे। देखिए हमने पलट दिए हैं। अब 2 मिनट के लिए इन्हें फिर से पकाएंगे। देखिए हम अरबियों को चेक करते हैं और इन्हें पलटते हैं। देखिए इस तरीके से हमारी अरबी दोनों तरफ से सिक चुकी है। ऐसे ही सेकना है हमें। हमारी अरबी रेडी हो चुकी है। सो थैंक यू।